रुको। वो इधर आ। आया जी। ये ले। अरे नहीं मालिक, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। और तो और मालकिन भी हमारे गांव से ही है। मैं और तेरे गांव से? तूने अपनी शक्ल देखी है आईने में? अब बोलेगा मैं तेरी बिरादरी की भी हूँ? डीजल चेक कर लिया? हाँ कर लिया। चलो जय भीम। मैं राधा करुणा, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही जय भीम IMDB पर रेटिंग के लिहाज से भारतीय सिनेमा की सबसे टॉप फिल्म बन गई है। हाल फिलहाल यह तीसरा मौका है जब अमेजन पर एक्सक्लूसिव स्ट्रीम हुई किसी फिल्म को IMDB यूजर्स ने दिल खोलकर रेटिंग दी। टीजे गडन वेल के निर्देशन में बनी सूर्य स्टार जय भीम को रजिस्टर्ड यूजर्स ने 10 में से 9.7 रेट किए हैं। हालांकि IMDB पर ही टॉप रेटेड इंडियन मूवीज की ओवरऑल लिस्ट में जय भीम को 8.8 रेट किए हैं, जो सिनेमा के इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा है। ट्राइब्स और ह्यूमन राइट्स की सहानुभूति से तुम ये केस जीतने की कोशिश कर रहे हो? हमेशा किस्मत साथ नहीं देगी। मैं किस्मत पर भरोसा नहीं करता, सच्चाई पर करता। मुझे भाग्य पर भरोसा नहीं है, मुझे सच्चाई पर भरोसा है। मरियम तुम्हारी सभी जातियों में बड़े चोर है, पहले लोगों को जातियों में बांटना बंद करो। सूर्य का यह डायलॉग बड़ा प्रचलित हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी जाति के लोग चोरी और लूटमार के केस में अक्सर पकड़े जाते हैं। कौन सी जाति में चोर नहीं होते नटराज? सर, तुम्हारी जाति, मेरी जाति, हर जाति में बड़े बड़े चोर होते हैं। पहले लोगों को जाति के आधार पर बांटना बंद कर दो। सॉरी सर, वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। सब जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का युग है। सिनेमा जाने और फिल्म देखने के दिन गए। आजकल Amazon प्राइम, Hotstar जैसी कई फिल्में डिजिटल मीडिया पर रिलीज होती है। ऐसी ही एक फिल्म इस समय भारतीयों के जहन में है। उस फिल्म का नाम है जय भीम। यह तमिल फिल्म आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह समाज में वास्तविकता की भावना दिखाता है और यह दिखाने की कोशिश करता है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था कितनी गहरी है। फिल्म 90 के दशक की सच्ची कहानी है। इस फिल्म में आदिवासी समुदाय के पुरुषों को पुलिस द्वारा झूठे आरोप में जबरन फंसाया जाता है। पूरी कहानी आदिवासियों में से एक राजू कन्नू के इर्द गिर्द घूमती है। पुलिस द्वारा उसे ले जाने के बाद उसकी पत्नी अपने पति को बचाने के लिए चंद्रू नाम के एक वकील की मदद लेती है। चंद्रू मानव अधिकार के मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हैं, लेकिन इस फिल्म की कहानी इस मामले में सामने आने वाला घिनौना सच है। पूरी कहानी तमिलनाडु के एक कोर्ट, एक छोटे से गांव और एक जेल में घटी है। फिल्म सिर्फ पुलिस की बर्बरता पर एक टिप्पणी नहीं है, यह मानसिकता ही है जो क्रूर हिंसा को जन्म देती है। इस फिल्म में थीम को सिंपल रखा गया है ताकि दर्शकों को फर्क महसूस हो सके, ऊंच नीच का भेदभाव पता चल सके। लेकिन सीधे साधे ढंग से कहते हैं, जैसे कि इस कहानी में राज कन्नू की पत्नी मदद के लिए गांव के सरपंच के पास जाती है, फिर उसे बोलने के लिए बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसके बाद राज कन्नू और उसकी पत्नी की मदद करने वाले शिक्षक ने भी नेताओं से वोटिंग लिस्ट में अपना नाम लेने को कहा, तो क्या वह मौजूद नेताओं को अब इन निचली जातियों के घरों में जाकर वोट देना चाहिए? इस तरह का सवाल पूछना समाज की भव्य स्थिति को दर्शाता है। फिल्म में पुलिस उत्पीड़न के सीन सबसे ज्यादा परेशान करने वाले लगते हैं। फिल्म देखने के बाद यह सीन पूरे दिन आपके सामने सीन की तरह घूमते रहेंगे। सूर्य की फिल्म जय भीम 1995 में उनके सच्चे जीवन की कहानी कहती है। सूर्य का किरदार मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज का है, चंद्रू सेवा निर्मित न्यायमूर्ति के चंद्रू से प्रेरित होकर, जिन्होंने कई वर्षों तक एक वकील के रूप में आदिवासियों के अधिकारों की वकालत की और उन्हें न्याय दिलाया। सूर्य की फिल्म जय भीम भी बताती है रिटायर्ड जज चंद्रू के एक केस की कहानी। सूर्य ने अपने फिल्मी कैरियर में पहली बार एक वकील की भूमिका निभाई है। सेवा निर्मित न्यायमूर्ति चंद्रू की भूमिका निभाने से पहले सूर्य से सेवा निर्मित न्यायमूर्ति चंद्रू से भी मुलाकात की थी। हम समाज में कई चीजों से अनभिज्ञ है, लेकिन सूर्य हमारे सामने एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं। सूर्य की फिल्म जय भीम 1995 में उनके सच्चे जीवन की कहानी कहती है। न्यायमूर्ति चंद्रू जो उस समय एक वकील थे ने मानव अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। इरुला समाज की एक आदिवासी महिला ने पुलिस प्रताड़ना और अपने पति की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जस्टिस चंद्रू ने महिला को न्याय दिलाने में हर संभव मदद की थी।
न्यायाधीश चंद्रो भारत के प्रख्यात न्यायाधीशों में से एक है और उनका ऐतिहासिक ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको इसमें क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं राधा करुणा, आप देख रहे थे बहुजन हलचल। धन्यवाद।